बात करते हैं काशी की बेटियों की। काशी की बेटियों ने भी अथक परिश्रम के बाद रामलला के लिए गंगा की मिट्टी से एक विशाल दीपक बनाया है। ये विशाल दीपक 1.5 फीट ऊंचा है। खबर ये भी है कि दीपक 101 किलो घी के साथ अयोध्या भेजा जाएगा ताकि कि श्री राम के दरबार में इसे जलाया जा सके। मां गंगा की मिट्टी से तैयार हुआ रामलला के लिए विशाल दीपक। इस दीपक के साथ 101 किलो घी को भी प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने की तैयारी हो चुकी है। इस दीपक को भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में बनाया गया है। इसे बनारस की बेटियों ने तैयार किया है। खास बात यह है कि इस विशाल दीपक को मां गंगा की पवित्र मिट्टी से तैयार किया गया है। नन्हे हाथों की कलाकारी ने वाकई कमाल कर दिया है। मिट्टी का दिया इन बेटियों की प्रभु श्री राम के प्रति इनकी आस्था को प्रदर्शित कर रहा है। घनघोर कोहरा, शीतलहर, बेमिजाज मौसम की परवाह किए बिना इन बेटियों के नन्हे हाथ लगातार 10 दिनों तक इस मिट्टी के दिए को तैयार करने में लगे रहे। दिया तैयार होने के बाद बेटियों ने अपने बड़ों के मार्गदर्शन में इसकी पेंटिंग का काम शुरू किया। उसके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाए गए। दिव्य और भव्य बनाने के लिए इसको अच्छे तरीके से पेंट किया गया और अब इसे अयोध्या भेजने की तैयारी है। 10 दिनों के अथक प्रयास से बनाए गए हैं। मेरे और मेरे बच्चों के जरिए ये बना है और ये 5 फुट लंबा है और ये 4 फुट चौड़ा और 1.5 फुट ऊंचा ये दिया, और ये श्री राम जी का दिया है जो कि अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशी में बहुत उत्साह का माहौल देखने को मिला है। काशी से काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर सहित कई जगह से धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाले सामान को भेजा जा रहा है। धार्मिक नगरी काशी में उत्साह का माहौल है, और जब काशी उत्साह में होती है, उमंग में होती है, तो वो बम बम बोलती है। कुछ ऐसा ही काशी का इन दिनों माहौल है। पद्म विभूषण शास्त्रीय संगीतकार पंडित छन्नू लाल मिश्रा बुजुर्ग हो चुके हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा सकते, इसलिए छन्नू लाल मिश्रा ने अपने सुरों के माध्यम से राम मंदिर बनने की बधाई दी और पीएम मोदी के काम से प्रसन्न होकर पंडित छन्नू लाल मिश्रा ने 2024 में फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है। उम्मीद तो है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, जब जीतेंगे तो बनबे करेंगे, जीतेंगे तो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। इतना बड़ा काम किए हैं तो आगे राम के सारे आगे। इतना बड़ा काम कोई किया ही नहीं, अगर ये नहीं बनेंगे तो कोई नहीं बनेगा। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भोलेनाथ की नगरी काशी उत्साहित है, और जिससे जो बन पा रहा है वो अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर रहा है। आज अयोध्या में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी की अयोध्या में बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन मौजूद रहेंगे।